बहुत बढ़िया, सबका साथ, सबका विकास आप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अब कुंटू सिंह का मकान गिरवाते हैं, क्यों नहीं अखंड प्रताप सिंह का मकान गिरवाते हैं, क्यों नहीं मुन्ना सिंह का गिरवाते हैं? उसी के बगल में उतना ही स्क्वायर फुट का मकान बना हुआ है, उसको कह रहे हैं कि नक्शा पास नहीं है। उसमें ये वो लगाए हैं कि इसका नक्शा पास नहीं है, इस मकान का निचला तल का नक्शा नहीं पास है। ऐसा देखा जाए तो 80% इलाहाबाद में मकान बने हैं जिसका नक्शा पास नहीं है। 30x61 का वहाँ भी एक मकान है उसके बगल में, जो नहीं क्यों नहीं ढाया गया, उसका भी नक्शा पास नहीं था, उसको भी उठाना चाहिए था। उस कॉलोनी में और बने हुए हैं, मैं बाहर जाकर के कह रहे हम बुद्ध के देश के हैं, युद्ध के नहीं। यहाँ पर बुद्ध वालों के खिलाफ युद्ध छेड़ करके बैठे हैं भारत में, बुद्ध के विचार वालों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं भारत में, और बाहर जाके कहते हैं हम बुद्ध के हैं, युद्ध के नहीं है। बाहर से शांति की अपील करते हैं, देश के अंदर युद्ध छेड़े हैं, गरीब दबे चपलो जो बुद्ध वर्ग के हैं। आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो दबे कुचले लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनके खिलाफ ही ये काम करते हैं? वो एकदम खिलाफ, उनको शिक्षा नहीं देना है, रोजगार नहीं देना है, उनको उसी स्तर पर ले आना है जिसको काथीराम मुलायम, माननीय मुलायम सिंह ने ऊपर ले आए थे 90 के बाद, उसको फिर उसके नीचे ले जाने वाले हैं लोग। बाबा मुख्यमंत्री हैं, यह देखिए जात भावना से राजनीति करते हैं और बदले की भावना से करते हैं। क्यों नहीं वही बुलडोजर, क्यों नहीं आजमगढ़ में एक से एक माफिया छत्री ठाकुर हैं, ब्राह्मण, ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? नहीं चलेगा। अभी कोई यादव हो, कोई दलित हो, कोई बैकवर्ड हो, अगर वह चलता फिरता मुसाफिर हो, इस्तफाक से किसी केस से, किसी एकाक केस में किसी पुलिस द्वारा लगा दिया गया हो, तो इसको हिस्ट्री शूटर बना दे रहे हैं, उसका मकान गिरा रहे हैं, और यहीं पर एक से एक कुंटू सिंह लेके, अखंड प्रताप सिंह लेके, मुन्ना सिंह लेके, तमाम ऐसे ऐसे छत्री हैं जो मतलब कि टॉप 10 के अधिकार अपराधी में हैं, लेकिन इनके घर ना तो बुलडोजर चलेगा, ना तो इनका आवास गिराया जाएगा, ना तो इनका कोई नुकसान किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जातगत के अंतर्गत ये सरकार काम कर रही है, जात भावना के अंतर्गत ये इनकी सोच है। लेकिन ये तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी जात के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जो जैसा करेगा वैसा होगा। माफिया अगर दिक्कत में है, इस वजह से दिक्कत में क्योंकि उन्होंने गलत किया है। मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया, सबका साथ सबका विकास आप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अब कुंटू सिंह का मकान गिरवाते हैं, क्यों नहीं अखंड प्रताप सिंह का मकान गिरवाते हैं, क्यों नहीं मुन्ना सिंह का गिरवाते हैं? रह गई बात थुआ की, यही अभी कुछ दिन पहले ही एक पलिया गांव पड़ता है बिलरियागंज के ब्लॉक में, गोपालपुर विधानसभा के अंतर्गत, पासी समाज का मकान को गिराया भी गया, चूँकि वो अपराधी भी नहीं है। उसका दोष यही सिर्फ था कि वह कमा धमा कर, पढ़ लिखकर, शिक्षित होकर वो आदमी पोस्टल अधिकारी बन गया था, और वहाँ के क्षत्रिय और ब्राह्मणों द्वारा यह देखा गया कि ये मुझसे काफ़ी आगे निकल रहा है, इस ईर्ष्या में उसका मकान गिराया गया है। तो कैसा सबका साथ सबका विकास यही है। आपको लगता है कहीं ना कहीं जात के आधार पर भेदभाव सरकार में हो रहा है? बिल्कुल है, बिल्कुल यही सत्य है। मकान जिसे गिराए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये संवैधानिक तरीका है या फिर असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं? नहीं, असंवैधानिक है जी, इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए इनको। क्या कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में क्या कहीं लिखा गया क्या कि कोई छोटा मोटा अपराधी हो या चाहे छोटी बिरादरी का हो तो उसका मकान गिरा दो, उसके घर का जो गल्ला पिसान है सब मिट्टी मिला दो, बालू मिला दो, कोई तरीका होता है क्या?